आज हमारे प्रदेश के आज हमारे प्रदेश की महिला मोर्चा के अध्यक्ष आदरणीय धर्मशीला राजी, हमारी बाकी पदाधिकारी सब यहाँ उपस्थित है, सबों का सम्मान। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ धर्मशीला जी उनकी पूरी टीम को कि आज चैत नवरात्रि हिंदू संवत के नव वर्ष पर आप सबों को शुभकामना देते हुए उन्होंने कल्पना की कि महिला मोर्चा की हमारी सारी बहनें जाएंगी मेरे 6 विधानसभाओं में, लाभार्थियों से मिलेंगी, प्रभु राम का प्रणाम देंगी और नरेंद्र मोदी को जिताया जाए 400 के पार इस संकल्प को दोहराएंगी। तो आज मेरे क्षेत्र में एक यात्रा शुरू हुई है, सबों का धन्यवाद अभिनंदन। हम ऐसे ही काम करते हैं, हर क्षण में हमारी चिंता लाभार्थियों की होती है कि मोदी जी के द्वारा जो भेजा गया उनके पास कितना पहुंचा, कितने संतुष्ट हैं और आगे करेंगे और विकास की बात बहुत करेंगे। आज मैं इतना ही कह सकता हूं कि पटना में चूंकि हमारी बहनें निकली हैं तो पटना में मैंने देश में तो काम किया ही, डिजिटल इंडिया, 3 तलाक, बाकी सब आप जानते ही हैं। पटना के लिए ये मेट्रो जो आया है इसमें मैं सक्रिय था केंद्रीय मंत्री के रूप में। पटना हवाई अड्डा बन रहा है ना, आप देख रहे हैं, ये महात्मा गांधी सेतु टूट रहा था, इसको बचाया जर्मन टेक्नोलॉजी से, बाकी 4 पुल और बन गया, जेपी सेतु है, एक और बन रहा है उसके बगल में, और एक पीएम ने अभी शिलान्यास किया। एम्स में कैंसर का अस्पताल का काम शुरू हुआ और NH 30 पर जो जाम रहता है, तो आपकी जानकारी के लिए अनीशाबाद से दीदारगंज तक 1,000 करोड़ रुपये से मैं एलिवेटेड सड़क बनवा रहा हूँ। तो क्या मेट्रो, क्या हवाई अड्डा, क्या कोरोना काल में काम करना, आपने देखा ही होगा लोगों को भोजन कराना, तो ये सभी काम करते हैं, आगे फिर करेंगे। मैं भी पटना कार्य करता हूँ, लेकिन आज के पावन दिन हमारी बहनें निकली हैं तो अपनी सभी बहनों का मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूँ। नारी शक्ति को लेकर हमारे प्रधानमंत्री बहुत संकल्पित हैं और हमारी महिला मोर्चा की टीम, मैंने अध्यक्ष जी हैं, सजल जी हैं, सोनी मिश्रा जिला अध्यक्ष हैं, ये सब लोग मिलकर के बिहार में नारियों को जिस तरह से जगाया इन्होंने, तो इनका बहुत अभिनंदन, धन्यवाद। प्रधानमंत्री जो दौरे पर सवाल खड़े हो रहे हैं, बार बार बिहार आ रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं। अच्छा, क्या प्रधानमंत्री को यहाँ आने के लिए उनसे वीसा लेना पड़ता है क्या? वो देश के प्रधानमंत्री हैं, बिहार के भी प्रधानमंत्री हैं। और मैं तेजस्वी आपको एक ही बात कहूँगा, ये आपकी टिप्पणी हताशा की है, तो तेजस्वी जी आप बताइए और आपके पिताजी कृपया बताएं, आपके प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं कौन? कि आपकी सरकार बन रही है तो सरकार बनने का पता नहीं, प्रधानमंत्री का पता नहीं, लेकिन क्या बयान बहादुर बने हुए हैं, छोड़िए, धन्यवाद। सर आप चुनाव लड़ रहे हैं, आपके विरोध में कोई भी पार्टी ने क्या निर्विरोध चुनाव होगा? नहीं आया है सर। नहीं, मैं भी खोज रहा हूँ, मेरी मदद करिए। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से शक्ति सम्मान यात्रा का आज प्रारंभ हुआ है और हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद आदरणीय रविशंकर प्रसाद जी ने इसका आज उद्घाटन किया है। आप देख भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि संपूर्ण बिहार ही नहीं देश की जनता आतुर है कि और बिहार में NDA गठबंधन की सरकार बनना तय है। आज महिला शक्ति सम्मान के माध्यम से 9 दिन के लिए हमारी महिला मोर्चा की बहनें संकल्प लिया है, उन्होंने संकल्प लिया है कि 9 दिन जो हमारे 243 विधानसभा में हमारी नारी शक्ति को वाहन दिया गया है और हमारी महिलाएं, हमारी बहनें जो बूथ तक काम करती है, शक्ति केंद्र पर काम करती है, पन्ना प्रमुख है, हमारी सभी वो बहनें सभी विधानसभा में बूथ तक जा कर के कमल खिलाने का काम करेगी और उन लाभार्थी बहनों को माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नमस्कार और प्रणाम कह करके उनको एक बार फिर आशीर्वाद देने के लिए घर घर तक जाने के लिए हमारे बिहार के एक एक कार्यकर्ता, हमारी बहनें, हमारी माताएं और हमारी कार्यकर्ताएं
कार्यकर्ता महीने सभी दृढ़ संकल्पित हैं, उन्होंने संकल्प लिया है, बहनों ने ठाना है कमल ही खिलाना है और देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से बनाना है। इसी संकल्प के साथ आज चैती नवदुर्गा का प्रथम दिन है और विक्रम संवत हिंदू का नव वर्ष भी है। आज का दिन बहुत अच्छा है, हमारी शक्ति शैल रूपी शक्ति ने आज ये महिला शक्ति सम्मान यात्रा प्रारंभ किया हुआ विजय दिख रहा है और नारी शक्ति दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती के रूप में रन में उतर चुकी है। 40 का 40 सीट बिहार से जीत करके और माननीय नरेंद्र मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाएंगे, यही हमारा संकल्प है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं प्रधानमंत्री डरे हुए हैं इसलिए बार बार बिहार आ रहे हैं। तेजस्वी यादव तो डर गए हैं, खुद ही हताश हैं, निराश हैं, उनके पास तो कोई प्रधानमंत्री का उम्मीदवार ही नहीं है। वो महागठबंधन है, चारा चैत्र भ्रष्टाचार की सरकार रही है, जनता उनको समझ रही है किस तरह से परिवारवाद की राजनीति वो कर रहे हैं और जनता विकास के साथ है। एनडीए गठबंधन में बिहार में चहुमुखी विकास हुआ है, महिलाओं को सम्मान मिला है, युवाओं को रोजगार मिला है, तो माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी उनके कार्यकाल में बिहार में विकास की गंगा बह रही है, तो बिहार की जनता एनडीए के समर्थन में सबसे आगे हैं और 40 का 40 सीट हम जीतेंगे। तेजस्वी बौखला गए हैं, घबराहट में ऐसा बोल रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जा सकते हैं, वो तो देश के नेता हैं।